वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज वीडियो जो है उसमें जो है हम आज पूरी रूटीन जो हमारी संडे की रूटीन होती है नॉर्मली स्कूल जब स्टार्ट हो जाते हैं तब की, तो वो रूटीन आज हम आपको दिखाएंगे। और जो जो हंसी मजाक मस्ती वगैरह सब घर में होती है वो सब आज आपको हम शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड में बताएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो देखिए आज सब हम पूरा दिन क्या करते हैं। तो ये नवाब यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, घर में अभी सिमटा नहीं है। बाबा का वेट कर रहे थे कि बाबा नाश्ता लेकर आएंगे तो हम लोग उसके बाद सारे काम करेंगे। ये लोग यहाँ पे टीवी लगा के बैठ के, तो मैं भी यहीं पे देख रही थी। बस शर्ट कौन रख कर आएगा? बुरी बात है ना, तुम रख कर आ जाओ, जाओ। बाबा कब तक आएंगे? हाँ थोड़ा गए, किस पर है? मिठू A few moments later. अच्छा अस्मा बाजू इसकी बेस्ट फ्रेंड की ढोलकी नाइट है। बेस्ट फ्रेंड के रोल में ये काम कर रही है। अभी अभी हम काम डिवाइड करके फारिग हुए हैं। मम्मा किचन करेंगी, वाजे पूरा घर से बैठे मैं झाड़ू पोछा करूँगी। हालांकि मुझे ज़्यादा काम करना पड़े तो मैं अभी आराम से बैठी हूँ दूसरे कमरे में, और ये सब यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं। वाजे घर से बैठ कर मम्मा को दिखाते हैं मम्मा क्या करें। आराम से बाद में काम करूँगी, लेकिन मेरा काम सबसे लंबा है। मम्मा तथी से थोड़ा बहुत काम करवा सकती हूँ मैं? क्यों तथी से? तुमने कहा है कि मम्मा आप किचन साफ करेंगी तो मैं सारा काम करूंगी। हाँ तो मतलब मैं डबल डबल काम कर रही हूँ ना, झाड़ू पोछा तो थोड़ी बहुत रियायत। आपने खुद ये चूज किया, फिर भी थोड़ी बहुत रियायत तो मिल सकती है ना। दिस इज योर पनिशमेंट। यार मम्मा से किचन साफ करवाए? नहीं 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 तुम लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो मुझे भी तो थोड़ी छुट्टी मिलनी चाहिए ना, ताकि तुम लोग मुझे देते ही हो। मेरे लिए कोई वीकेंड है ही नहीं। अब्बास काम नहीं करवाना आपने? क्यों, क्या कर रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? तुमने कोई काम नहीं करना है भाई, रोजा तुम भी मेरे तरह आराम कर रही हो। खुद कौन से काम कर रही हो? मुझे बोल दिया कि मैं कोई काम ना करवा। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तुम इनके साथ कोई काम नहीं करवाओगी? इन्होंने कहा है कि मैं सब कुछ खुद करूँ। भाई थोड़ा बहुत तो करवा सकती हो ना, जैसे मैंने कुछ मंगवा लिया वगैरह वगैरह कुछ। हाँ वो करवा सकते हैं, बस सही है। वो भाई सारा तो नहीं डालना ना, बहुत है ना इतना। ये आ गया काटने को। छोड़ दो भाई। सोफे के पास से चीजें रखी हुई है, बाद में उठा नहीं, उल्टा मुझे बोल रही है कि आप नहीं उठाती। आप उठा लो बेटा, व्लॉग के चक्कर में ये तो नहीं ना कि तुम समेटोगी नहीं। नहीं नहीं भाई देखो, मैंने झाड़ू पोछा करना है ना दोनों, तो मैंने उसे कहा उसे कर लो, मिल बांट के कर लो जल्दी। भाई वो बलाम से बैठी हुई है अभी, ना इंसाफी है, बहुत ना इंसाफी है। देखा ये जुल्म होते हैं मेरे साथ, वाजी नहीं कर रही कुछ अभी तो। अनलॉक आज ऊपर चले गए आज, क्योंकि काम ऊपर का बाबा ने नहीं करना था, बाबा कहीं काम से बाहर गए हुए हैं। तो मम्मा और वाजी ऊपर चले गए, मैंने नीचे का जिस तरह पूरा काम करना था वैसे ही करी हो। दो कमरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मतलब उनका सारा काम हो चुका है, झाड़ू और सिमटे हुए तो वैसे ही थे। तो अभी बाकी काम कर रही हूँ मैं, और बाकी काम करने के बाद मिलते हैं आपसे। इतनी भारी है ये? हाँ जी उठा के देखो। नहीं मेरे से नहीं उठेगी, भरी हुई है कपड़ों से, मुझसे नहीं उठेगी। मेरे पाँव नहीं रखना बीच में, सफाई कर रही हूँ तो करने दो। इसका सही है यार, यहीं कहीं पे भी बैठे बैठे सो जाते इसी तरह। आ रही है मम्मा? आ रही है?
नहीं आ रहे यार, क्या आवाज़ नहीं करना यार, आवाज़ है क्या मसला है? तुम क्यों इस तरह हंस रही हो? हंसे नीचे का सारा काम हो चुका है और अभी ऊपर जा रही हूँ मामा के साथ काम करवाने के लिए। पूरा घर समेट चुका है, ये सब हो चुका है, तो बस लाइटें वाइटें बंद करके अब हम चलते हैं। तो जब मैं ऊपर गई तो वाजिया कमरे की झाड़ू निकाल रही थी, कमरा पूरा साफ कर रही थी और मामा बाहर बर्तन धो रही थी। काम चले हैं? आप क्या कर रही हो? बर्तन हम लोग बाहर बोलेंगे। बाबा कबूतरी दे रहे हैं, कबूतरी है। अंदर का जो काम था वो सारा हो गया था, मतलब सफाई वगैरह। तो मम्मा ने मुझे कहा कि ये वाले सारे बर्तन ला के दो, मम्मा ने वो धोने थे तो वो बर्तन मैंने मम्मा को ला के दिए। जी मेरी ड्यूटी लगी है ऊपर तोतों का ना पानी निकालने की, इसने ज़बरदस्ती पानी निकालने को बोल दिया, मुझे डर लग रहा है। लाइट गई, तुम डाल रहे हो पहले, फिर मैं ऊपर से यार निकाल दो ना यार, काट दिया तो तुम्हारी एक हजार बहन का हाथ खराब हो जाएगा ना, वो जो प्यारे प्यारे से हाथ थे। हाँ कौन से प्यारे हाथ? जो भी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्यारे प्यारे से हाथ, वो तुम नीचे कौन से अभी तुमने ये बहुत गंदे से हाथ, ये हाथ यार सीरियस निकालो, कुछ नहीं होगा, काटेंगे नहीं। काट दिया तो नहीं काटेंगे, मैं वीडियो बना दी। नहीं नहीं तुम छोड़ो, कैसे कैसे काम करवाते हैं। तो कैसा लगा आपको निकाल के? ये फारिग लोग जिनको स्नैपो से, स्ट्रीक से और मीम्स वगैरह से फुर्सत नहीं होती। शक्ल दिखा अपनी, फारिग इंसान जिनके साथ स्ट्रीक्स नहीं बनाती ना उन्हें रिमूव कर दी। मेरी तो सबने स्ट्रिक्स तोड़ दी, तो मैंने उन सबको ब्लॉक मार दिया है मम्मा। जिन जिन ने स्ट्रिक्स तोड़ी ना मैंने सबको ब्लॉक मार दिया और रिमूव कर दिया। स्ट्रिक्स तोड़े थे 80 70 पे पहुंच के स्ट्रिक्स तोड़ देते थे, रीस्टोर भी नहीं हुई थी, रीस्टोर भी। अच्छा मैंने आज तक मेरे से किसी ने स्ट्रिक नहीं तोड़ी, अगर तोड़ी है ना तो 3-3 6-6 दिन की तोड़ी, मुझसे नहीं किसी ने तोड़ी। अपा आपको क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, फिर क्या सोच रहे? वो तोता देखो कैसे लटक गया, कबूतर है किसका? चाबी ले ली दोनों, तो देना क्यों है? तो चीज रखा था। 2000 years later कल स्कूल जाना है, तो ये शूज पॉलिश करने हैं, पॉलिश करने के बाद मिलते हैं आपसे। फिर हम सबको भूख लग रही थी तो हलवा पूरी वगैरह रखी हुई थी, तो हम लोगों ने वो खा ली, वगैरह साफ कर लिए और खाना भी खा लिया, थोड़ी बहुत भूख लगी थी हम लोगों को तो हमने खाना खा लिया। और अब मैं जा रही हूँ यूनिफॉर्म इस्त्री करने, वाजी ने अपना और अब्बास का किया, ओ वाजी ने अपना और तथी का किया है, और अब्बास का यूनिफॉर्म इस्त्री है तो मैं सिर्फ अपना करूँगी। अभी मैंने कहा है कि ये कपड़ों का ढेर है सारा, ये सारे कपड़े तय करने और ये मस्ती में लगा हुआ है अभी यहाँ पे। बाल तो ब्रश कर लो पहले, बाल नहीं ब्रश हुए हुए आपके, किसी के भी कपड़े तय कर दो, अपने थोड़ी करने हैं सिर्फ। नहीं। अच्छा चलो स्टार्ट कर दे। नहीं हंस आ रही है यार, तुम पहले हंस लो मैं बाद में। यार चला यार नहीं करो, मैं क्यों जा रही हूँ? जानम फिदाए है दरी याली अली अली, जानम फिदाए है दरी याली
अली अली है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला जीना अली दश्त में अब का पहला कतरा अली मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी यारी अली अली जानम फिदाए हैदरी यारी अली अली सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लपे अपने रहे ना रहे हैदरी यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा बाद यज़दा की है दूसरा सिरा मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान हूँ गम के मारों का है तू सहारा अली अली मौला अली रमजे बकाए हाशमी यारी अली अली जानम फिदाए है दरी याली अली अली जानम फिदाए है दरी याली अली आई तुम्हारी आंखों में पानी कर क्या रही हो स्ट्रीक से अल्लाह कभी तो बख्श दिया करो ये कपड़े कौन ढेर दया करेगा फौरन करो ज्यादातर अब्बास की आवाज अपने खुद ही करेगा यार मुझसे नहीं हो रहे करो करो मेरी इतने सारे वाजे कर दिए ना मैंने कहां से लिए सारे तू तो गया बेटे भाई मम्मा इधर आओ कपड़े तय करने के बाद मैं मम्मा के पास गई मम्मा किचन में थी पकोड़े फ्राई कर रही थी और बाबा बाहर गए थे नहाने नहीं के लिए क्योंकि आज हमने खाने में पकोड़े खाने थे तो उसके साथ नान अच्छे लगते तो बाबा नहाने नहीं चले गए थे तुम्हें क्या हुआ मेरी नमाज की चादर गुम हो गई मम्मा तो थी कि चादर नहीं मिल रही वहाँ पे दथी बैग पैक कर रही है यहाँ पे मुझे अपना बैग पैक करना है और बैग पैक करने के बाद मिलते हैं क्या हुआ नहीं मिल रही सही से ढूंढो मिल ही जाएगी तो ये है पकोड़ा जो कि बाय चांस से मैं खरीदता है तो आप सबने कमेंट में ये बता दें कि किस चीज से मम्मा बस कितना कूटना है ये क्या तरीका है यार बस इतनी मीठी है उस चूल्हे का बेड़ा कर करके आ गई है यहाँ पर और मैं बताना भी भूल गई अच्छा बताते बताते मेरा ध्यान ही नहीं गया वैसे आपका ध्यान किधर था मैं वीडियो बना रही थी कैमरे में देख रही थी तुम्हारे अच्छा छोड़ो मैं बता रही थी कि ये कॉफी अब इतनी मीठी है इतनी मीठी है इतनी मीठी है कि बस काफी है बहुत है मुझे ये लग रहा है अबे यार फेटी जाती है ये कौन सा तरीका देखो जलेगी तो सही मैंने चूहे की आंच टेस्ट कर दी है नहीं करो फिर हम सब ने कॉफ़ी पीते पीते टेबल पर बैठ के ढेर सारी बातें की और इन्जॉय किया थोड़ा बहुत और फिर जो है हल्का फुल्का दोबारा घर समेट के बैग वगैरह सब पैक हो चुका था तो हम सोने की तरफ चले गए तो ये
था हमारा आज का व्लॉग। बेसिकली ये संडे की रूटीन थी जो कि हर हफ्ते होती है। तुम हंस लो बेटा, तुम तपा रही हो, मुझे पता है। मैं किसी को तपा रही जो मतलब संडे की रूटीन जो होती है हमारी, अभी तो स्कूल्स अभी खुले हैं तो फर्स्ट संडे ये, बाकी हर संडे यही रूटीन होती है। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी सारी वीडियोस किस तरह की लगी हैं, और हर वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और जिसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।